स्वागत है दोस्तों आप सभी का मेरे चैनल फैशन एंड लाइफस्टाइल में। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को अपनी बैंगल्स के कुछ कलेक्शन दिखाऊंगी। आज थोड़ी सी दिखाऊंगी, पार्ट वन, पार्ट टू इसके बाद बहुत जल्दी लेकर के आऊंगी। फ्रेंड्स, चूड़ियाँ पहनना किसे नहीं पसंद है, मेरी बात करो तो मुझे तो चूड़ियाँ ही पहनना पसंद है, बहुत पसंद है, बहुत बहुत बहुत। मेरे पास तो कलेक्शन ही कलेक्शन है चूड़ियों के, मैं कहीं भी जाती हूँ, कभी भी जाती हूँ, मुझे चूड़ियाँ खरीदना ही खरीदना है, चाहे वो सस्ती हो चाहे वो महंगी हो। चूड़ियाँ लिए बिना मेरी शॉपिंग पूरी होती ही नहीं है। कपड़ा लूँ या ना लूँ, चूड़ियाँ तो लूँगी ही मैं। और क्या, चलिए बहुत लेट हो गया है, वीडियो आगे शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ ब्राइडल चूड़ी ही दिखाऊँगी, बाकी हल्की फुल्की जो भी होंगी वो अगले पार्ट टू में दिखाऊँगी। तो सबसे पहले ये चूड़ी मैंने खरीदी थी, एक्चुअली ये चूड़ी मैंने नहीं खरीदी थी, ये मुझे मेरे घर से मिली थी, मम्मी खरीद करके दी थी। कुछ इस तरीके की ये चूड़ी है, पूरा कुंदन वर्क है। बहुत ही खूबसूरत है ये, एक हाथ में दुल्हन जितनी भी आने वाली है, जितनी भी दुल्हन बनने वाली हैं इस साल, वो इस तरीके से पहन सकती हैं। है तो ये दो हाथों की, लेकिन आप चाहें तो भर करके इसे दोनों हाथों की एक में डाल सकते हैं, काफ़ी खूबसूरत लगता है देखने में। पूरी चूड़ी में कुंदन वर्क है। ये चूड़ी मैंने लोकल शॉप से ही ख़रीदा था और ये सारी साड़ियों पे चली जाती हैं। रेड कलर है तो किसी भी साड़ी पे चली जाएगी, उतनी सोचने की ज़रूरत है ही नहीं। और हल्की भी साड़ी पहनेंगी और उस पर से आप ये वाली बैंगल्स डाल लेंगी तो कमाल हो जाएगा, उतना टेंशन है ही नहीं सोचने का कि यार साड़ी भी कहाँ से लाएँ, मैचिंग चूड़ी कैसे लाएँ। रेड ऐसा कलर है ना, उसको सोचना ही नहीं पड़ता है। तो मैं हमेशा ऐसी ऐसी भरी भरी चूड़ियाँ रखती हूँ, पहनती हूँ, उतनी नहीं हूँ, इतनी फंक्शंस में पहनती हूँ, शादियों में पहनती हूँ, त्यौहार होते हैं, छोटे छोटे पर्व होते हैं उसमें डालती हूँ, अदरवाइज़ इसे मैं रखती हूँ अच्छे अच्छे टाइम के लिए। इस चूड़ियों की सबसे ख़ास बात बताऊँ, ये सारी चूड़ियाँ बहुत जल्दी ख़राब हो जाएंगी अगर आप इसे अच्छे से नहीं रखोगे। मैंने कहा ना कि मुझे कपड़ों से ज़्यादा, मतलब बाकी जितने भी सामान हैं मेरे, वो चाहे मेकअप की ही बात करूँ, वो उतने अच्छे से नहीं रहते हैं जितने मेरे कपड़े और मेरे ज्वेलरी, बैंगल्स, ये सब रहते हैं। तो काफ़ी अच्छे से मैं इनको रखती हूँ क्योंकि इतने महंगे आते हैं ये सब और बार बार इसे ख़रीदना पॉसिबल नहीं है, तो काफ़ी अच्छे तरीके से रखती हूँ। तो ये है मेरी पहली ब्राइडल चूड़ी, आपको मैं दूसरी दिखाती हूँ। मैं आपको चूड़ा अब दिखाती हूँ। ये चूड़ा मैंने ख़रीदा था जब हमें बेबी होने वाला था, उस टाइम मुझे सजने संवरने का बहुत शौक़ हो रहा था, लाल साड़ी पहन करके बाहर घूमने का मन करता था और सजने के लिए मुझे चूड़ियाँ ख़रीदने का मन करता था, ज्वेलरी सेट वगैरह ख़रीदने का मन होता था। तो उस टाइम मैंने अमेज़ॉन से ये चूड़ा ख़रीदा था। ये मुझे कुछ इस तरीके के बॉक्स में रिसीव हुई थी, काफ़ी अच्छे तरीके से इन्होंने बॉक्स में डाल करके भेजा था, इसे मुझे रखने की तो टेंशन ही दूर हो गई। मैं दिखाती हूँ आपको चूड़ा, इस तरीके से पैकेट होकर के आई थी। मैं जब भी इसे पहनती हूँ खोलने के बाद ऐसे ही पैकेट में डाल देती हूँ क्योंकि काफ़ी एक्सपेंसिव है मेरे लिए ये, और मुझे ये सब सामान अच्छे से रखने का काफ़ी शौक है, ख़राब नहीं होना चाहिए। मैं दिखाती हूँ, न्यूली मैरिड इसे पहन सकती हैं लेकर के। ये मैंने 999 रुपीज़ में ख़रीदा था, येलो चाइम्स ब्रांड से मैंने इसे लिया था, काफ़ी खूबसूरत है। न्यूली मैरिड जितनी भी हैं आप इसे बहुत ट्रस्ट के साथ इसे ख़रीद सकती हैं, पहन सकती हैं। मैं तो हमेशा इसको, मतलब इतने साल हो गई शादी को, फिर भी मैं इसे पहनती हूँ। कभी कभी कोई भी पूजा वगैरह हो गया या फिर हम लोग किसी के घर जा रहे हैं, मतलब फंक्शन है, शादियां हैं, मतलब मैं जब भी अपने ससुराल में रहती हूँ तो मैं इसे पहनती हूँ। सारी साड़ियों के साथ ये चली जाती है जैसा कि आप जानते हैं। रेड बहुत हल्का करने का मन है तो ये कुंदन वाले इसमें आए हुए हैं, ये डालती हूँ, काफ़ी सुंदर लगता है। और मतलब बहुत टाइम अगर आपकी शादी को हो गई है और आपको चूड़ा पहनने में बन नहीं रहा है तो आप इसको मिक्स एंड मैच करके भी पहन सकती हैं बहुत सारी चूड़ियों के साथ। अगर
आप मुझे कमेंट करो, अगर आपको इसमें भी बहुत सारे मिक्स एंड मैच करके देखने हैं तो मैं ज़रूर दिखाऊंगी। काफ़ी स्टाइल इससे भी क्रिएट हो जाएंगे। अब मैं दिखाती हूँ आपको अपने राजस्थानी बैंगल्स। एक्चुअली इसको राजस्थान में भी चूड़ा ही बोलते हैं, लेकिन हम लोग इसको चूड़ा नहीं बोलते हैं, जो कुछ भी बोल सकते हैं आपका जो भी मन है। ये मुझे इस डब्बे में आई हुई थी, खुले करके थी, मैंने देखा कि इसकी कलर थोड़ी सी जा रही है तो मैंने इसको इस तरीके की पैकेट में डाल दिया। ये मैंने राजस्थान से मंगवाया था, मेरी एक फ्रेंड है वो राजस्थानी है, तो मैंने उससे ही कहा था मेरे लिए वहाँ से कुछ ले कर के आना, तो वहाँ की स्पेशल मेरे लिए वो ले कर के आई थी धालू चूड़ा। मैं आपको दिखाती हूँ, ये तो पूरा खुल गया है, मैं दिखाती हूँ आपको। ये वो राजस्थानी बैंगल मेरी, इसको धालू चूड़ा नाम से वहाँ पे जानते हैं। मेरी राजस्थानी फ्रेंड है, मैंने उससे मंगवाया था। इसे धालू चूड़ा क्यों बोलते हैं, ये जो गोल गोलाई होती है ना वो छोटी होती जाती है धीरे धीरे करके, मतलब बड़ी से छोटी होती जाती है, तो इसीलिए धालू चूड़ा बोलते हैं। ब्राइड्स इसे पहन सकती हैं, काफ़ी कलरफुल है। ये तो थोड़ा सा इसका कलर ऊपर नीचे हो गया है, क्योंकि मेरी गलती है, मैंने इसे अच्छे से रैप करके नहीं रखा, तो इस चलते इसकी चमक थोड़ी सी चली गई है। अदरवाइज़ ये अभी भी पहनने में उतनी ही अच्छी लगती है जितनी ये पहले लगती है। इस चूड़ा को लिए हुए मुझे 3 साल हो गया है, बेहद खूबसूरत है। इसमें जो बहुत सारे कलर्स हैं, ग्रीन है, पिंक है, ऑरेंज है, वाइट है, और ये चूड़े के टाइप का ये दिया हुआ है इन्होंने, काफ़ी खूबसूरत लगता है। सिंपल सी साड़ी पे बहुत अच्छा लगेगा। आप भी अगर राजस्थान जाएँ तो वहाँ से धालू चूड़ा ज़रूर लें, काफ़ी खूबसूरत होता है ये। और राजस्थान की मुझे सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं, वहाँ के ड्रेसेस अच्छे लगते हैं, उनके पहनने के तरीके, जितने भी ज्वेलरी सेट वो थोड़े से अलग तरीके के पहनते हैं हम लोग से, और बैंगल्स वगैरह भी वहाँ बहुत डिफरेंट मिलती है। मुझे डिफरेंट चीज़ें कलेक्ट करना बहुत पसंद है, पहनूँ ना पहनूँ अलग बात है, लेकिन वो मुझे चाहिए। अब मैं दिखाती हूँ आपको मेरी शादी की बैंगल, ये है। ये बैंगल मुझे मेरी शादी के टाइम में मिली थी, जब लड़के वाले की तरफ से कपड़े आते हैं तब हमारे तरफ ऐसी ही चूड़ियाँ आती हैं, ये लाह की होती है। पूरा भर करके ये बैंगल आता है, इतना से इतना दूर। मैं पहन कर इसीलिए नहीं दिखा रही हूँ क्योंकि ये साइज़ में मुझे थोड़ी छोटी होती है, ये शायद 2-2 है, मेरे हाथों में तो घुसती भी नहीं है। मैं बैंगल हमेशा एक साइज़ ज़्यादा लेती हूँ, एक्चुअल साइज़ मेरी 2-4 है, लेकिन मैं कभी भी 2-4 नहीं लेती हूँ। इसके कारण ये है कि वो खोलने में पहनने में आसानी होती है 2-6 एक साइज़ ज़्यादा लेने पर, तो मैं हमेशा 2-6 ही लेती हूँ। ये मुझे एहसास हुआ कब, जब मैं शादी करके जब मैं चूड़ा पहनी थी तो उस टाइम मैं उस टाइम ख़रीदी थी 2-4, अब वो खोलने में पहनने में मेरे हाथ पूरे कट गए, अब पानी लगता था उसमें तो थोड़ा सा बहुत जलन होती थी मुझे, तो इसीलिए तब से मैंने हमेशा एक साइज़ ज़्यादा लेना शुरू कर दिया। रखा हुआ है ये, कभी कभी घर में होता है वैसा, कोई छोटा मोटा गेस्ट वगैरह लोग आते हैं तब मैं पहनती हूँ, अदरवाइज़ ये ऐसे ही रखा रहता है। काफ़ी खूबसूरत है, इसकी चमक तो अभी चली गई है, अदरवाइज़ जब ये शुरू में आई थी तो बहुत चमकती थी, मेरी तो फेवरेट थी ये, पहली चूड़ी है मेरी, काफ़ी चमकती थी, मेरी फेवरेट है ये। मैं दिखाती हूँ आपको अपनी दूसरी बैंगल, ये है मेरी दूसरी वाली बैंगल। ये बैंगल तो कहीं भी मिल जाएगी, लेकिन मैंने जैसे बताया मुझे चूड़ियों का बहुत शौक है, मैं कहीं भी जाती हूँ तो चूड़ियाँ खरीदती हूँ, सस्ती हो या महंगी। ये चूड़ी मैंने ख़रीदा था नेपाल से, जब हम लोग नेपाल घूमने के लिए गए थे तब मैंने ये चूड़ी ख़रीदा था, वेलवेट की है, बहुत ज़्यादा है, ये हाथों में भी नहीं घुस रही है। ये है वो बैंगल, पूरी वेलवेट की है ये, काफ़ी खूबसूरत है। मैं तो पहली बार आज इसे डाल रही हूँ, जब से मैं ख़रीदी हूँ इसको, ख़रीदे हुए कुछ ही दिन हुआ है, गए थे हम लोग घूमने के लिए तब मैंने इसे ख़रीदा था। मुझे ठेले वाली शॉपिंग करना बहुत पसंद है, तो मैंने इसे वहीं से ख़रीदा था, और इसे आप मिक्स एंड मैच करके पहन सकती हैं, ब्राइट कलर के साथ और ब्राइट मिल जाता है तो गजब लगता है। इसके साथ मैंने एक और ख़रीदा था, मैं दिखाती हूँ,
साथ में मैंने ये वाली खरीदी थी, पीली वाली। ये तो मैंने अमेज़ॉन से मंगवाया था, ये मैंने पीली वाली खरीदी थी रेड के साथ, इसे मिक्स करके पहनने के लिए। काफ़ी सुंदर है, यहाँ तो मैं कम दिखा रही हूँ, मैं अलग कर दी हूँ, तो मैं जल्दीबाजी में मैं ये ले करके आ गई आपको दिखाने के लिए। काफ़ी खूबसूरत बैंगल है, इसे मैं मिलाकर अपनी कुंदन के बैंगल के साथ या फिर बहुत तरीके से इसे मिक्स एंड मैच करके पहन सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत कलर है, किसी के साथ भी चला जाता है। मैं बेसिकली वही सब कलर रखती हूँ जो सारी साड़ियों पे चला जाए। अब ऐसा नहीं कि कुछ अलग तरीके से कलर मैं ले ली, अलग तरीके के कुछ कलर मैं ले ली, अब जब पहनने की बारी आई तो अब वो चूड़ी जो नहीं ली हूँ वो तो रखी हुई है, अब जाकर के दूसरी चूड़ी खरीदो। मैं इस टाइप की परचेजिंग बिल्कुल नहीं करती हूँ, बहुत ही दिमाग लगाकर बहुत सोच समझ के मैं ऐसी सामान लेती हूँ, कम से कम वो 3-4 साड़ी पे तो चली ही जाए। तो ये थी मेरी कुछ बैंगल्स की कलेक्शंस। उम्मीद करती हूँ आपको ये कलेक्शन देखने में बेहद मज़ा आया होगा। और भी ऐसे कलेक्शंस अगर मेरे आपको देखने हैं, कितने कितने और चीज़ें देखनी हैं, उन सब के लिए आप मुझे कमेंट कर सकती हैं। मुझे कमेंट करिए कि आपको और क्या क्या देखने हैं, मैं सारी कलेक्शन जितनी भी जो भी चीज़ की होगी मैं आपको दिखाऊंगी। और जाते जाते मैं आपको बोलूं कि मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, उससे आपको मेरे चैनल की सारी अपडेट्स मिलती रहेंगी। फिर मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।